रिकॉर्डिंग ऑन की। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ डे सेकंड बेसिक ट्रेनिंग में। जैसा कि कल के सेशन में हमने बताया कि बेसिक ट्रेनिंग क्यों जरूरी होता है, अगर आप मन में बहुत सारे सवालों को लेकर चलते हैं तो ज्यादा दिन तक आप ज्यादा देर तक नहीं दौड़ सकते हैं। सवाल क्या, सवाल से वो भारीपन आपका दिमाग हो जाएगा, है ना। तो वो सवालों को क्लियर करने के लिए ही होता है बेसिक ट्रेनिंग, आपका माइंडसेट बनाने के लिए होता है बेसिक ट्रेनिंग। याद करिए, अगर आपको बहुत ऊपर चढ़ाई चढ़नी है तो अगर आपके कंधे पर बहुत ज्यादा वजन होगा तो शायद आप नहीं चढ़ पाएंगे, उतनी तेजी से नहीं चढ़ पाएंगे और शायद चढ़ भी ना पाए। याद करिए, अगर आपने देखा होगा कि कोई भी जब रॉकेट लॉन्च होता है तो रॉकेट के साथ पहले तो स्थल में उसके आजू बाजू बहुत सारे कैप्सूल्स होते हैं और उन कैप्सूल्स में ही आग लगता है और वो कैप्सूल्स बहुत भारी होते हैं। तो रॉकेट को भी पता है, अगर उसने अपने कैप्सूल्स को नहीं छोड़ा, आजू बाजू करीबन 3-4 कैप्सूल्स होते हैं और वो कैप्सूल एक लिमिट के बाद ऑर्बिट में पहुंचने से पहले ही वो छूटना स्टार्ट कर देते हैं और वो जाके सागर में गिर जाते हैं। अगर वो उसके साथ जाएगा ऑर्बिट में तो ऑर्बिट में तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा, नहीं होता है, तो वो कैसे घूमेगा, नहीं घूम पाएगा। इतना भारी भरकम ऑलरेडी वो है और 4-5 कैप्सूल्स को लेकर वो ऑर्बिट में नहीं, मतलब कि जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है वहां पर वो नहीं रह सकता है। तो भारी चीजों को छोड़ना पड़ता है। तो इस व्यापार में अगर आप ज्यादा लंबा जाना चाहते हैं, ज्यादा ऊंची छलांग लगाना चाहते हैं, तो अपने दिमाग में रखे हुए कुछ जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए ही बेसिक ट्रेनिंग मतलब चलाया जाता है। सो अभी भी हमारा सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, सो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग जिस भी ग्रुप में हैं उस ग्रुप में जाकर मैसेज डाल दीजिए कि डे सेकंड स्टार्ट हो चुका है। कल हमने देखा था कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है और नेटवर्क मार्केटिंग के मिथ्स जो कि मिस कंसेप्शन है वो क्या क्या है, जो दुनिया में लोगों के बीच में जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं रखे हैं या अवेयर नहीं है उनके बीच में ये मिस कंसेप्शन घूम रहा है। और जब कोई नया इंसान या नया बच्चा जब नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करता है तो वही लोग इन पर हावी होना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत सारे प्रहार करते हैं, कटाक्ष बातें बोलते हैं, जिन कटाक्ष बातों से वो जो इंसान जो स्टार्ट किया था नेटवर्क मार्केटिंग को कहीं ना कहीं वो ड्रॉप होना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए बेसिक ट्रेनिंग होता है, जैसे ही ज्वाइन किया वैसे ही बेसिक ट्रेनिंग में बैठाना। तो कल हमने देखा था कि मिसकंसेप्शन क्या क्या है और उसको हमने क्लियर किया था कि ये मिसकंसेप्शन है ना कि ट्रुथ है, ट्रुथ तो कुछ और है। और कल हमने एक और चीज देखा था कि बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग आए दिन आते रहते हैं, लेकिन कैसे है खास वेस्टिज मार्केटिंग, उसका हमने पूरा का पूरा स्टोरी को देखा था कि 18 साल में क्या क्या इसमें देखा है और उतने सारे सिचुएशन को देखने के बाद भी 79% ग्रोथ रेट को मेंटेन कर रहा है और कई सारे अवार्ड एंड रिकग्निशन इन्होंने पाया है। और साथ ही साथ आए दिन हर एक सेकेंड में 20 न्यू जॉइनिंग जो होते रहते हैं, मतलब इतनी तेजी से यहाँ पर काउंट जो बढ़ रहा है डिस्ट्रीब्यूटर्स का, और खुद का ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, खुद का हेड ऑफिस है और हर स्टेट में इसके कई सारे ब्रांच ऑफिसेस है और हर सिटी में हर 5 किलोमीटर की दूरी में आपको एक मिलता है डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉन्टेक्ट पॉइंट, जहाँ पर आप अपना मीटिंग भी कर सकते हैं, वहां से प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं, अपनी सारी क्वेरी को रिजॉल्व करते हैं। तो आइए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, जिसके लिए मैं कोई स्लाइड तो प्ले नहीं करने वाली हूँ, बस मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि क्या है आगे प्लान के बारे में चलते हैं। तो हमारी कंपनी का वेस्टिज मार्केटिंग का जो प्लान है वो जनरेशन प्लान है, एक्यूमुलेटिव प्लान है। ओके, तो जैसा कि अब कल हमने पॉन्जी स्कीम के बारे में बताया, तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी बहुत सारे सर्कुलर रूल रेगुलेशन लेकर आए हैं कि पॉन्जी स्कीम को बंद कर दिया गया है, बैंड कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं बाइनरी प्लान अभी भी बहुत सारी कंपनियां चला रही है, तो बाइनरी प्लान के लिए भी रूल रेगुलेशन लेकर आई है। लेकिन हमारी कंपनी जो वेस्टिज मार्केटिंग है वो है जनरेशन प्लान,
ओके जनरेशन प्लान है और यहाँ पर एक्यूमुलेटिव पीवी होता है, यानी कि पिछले महीने का भी जो काम है इस महीने में जुड़ते रहेगा। अगर आप अपना खुद का ही अगर आईडी खोल के देखेंगे, अगर ज्वाइन हुए आपको 1 या 2 महीने हो चुके हैं, तो 2 महीने में जितना आपने पीवी जनरेट किया है वहां पर आपका एक्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव पीवी में वो दिख रहा होगा। क्यूमुलेटिव पीवी क्या दिखाता है कि जब से आपने ज्वाइन किया है वो सारा पीवी यहाँ पर आपको दिखाता है। और यहाँ पर अगर आपकी आईडी लग चुकी है तो कोई भी रिन्यू करवाने के लिए कोई भी रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइक अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस एक सर्टेन पीरियड के बाद क्या हो जाता है, वो लैप्स हो जाता है, तो उसको फिर से रिन्यू करवाना पड़ता है। लाइक पासपोर्ट भी है तो उसको बाद में रिन्यू करवाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपकी एक बार आईडी लग चुकी है तो आईडी को रिन्यू करवाने की कोई जरूरत नहीं है और वो आईडी आपकी 3 जनरेशन तक चलेगी। यस, आपके सारे सवालों का जवाब लेंगे मैं बिल्कुल दूंगी। मैं अब आती हूँ आपके जो भी सवाल आप पूछ रहे हैं उस सवाल पर आती हूँ। पहले मैं थोड़ा सा वार्तालाप कर लेती हूँ। तो कहने का अर्थात है कि यहाँ पर रिन्यू करवाने के लिए कोई भी कुछ भी नहीं होता है। एक बार आईडी लगा लिया तो वो 3 जनरेशन तक आपकी आईडी यहाँ पर चलती ही रहती है। और हमारी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है 36% आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है। बाकी का जो पैसा कहाँ पर गया आप भी समझदार हैं। कंपनी यहाँ पर एक खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हेड ऑफिस है, कई सारे ब्रांचेस है, 60+ ब्रांचेस है, तो वहां पर ब्रांचेस का टेक केयर करने के लिए इम्प्लॉयज को रखा गया है, उनको सैलरी देने के लिए, आपके घर में जो कोरियर आता है वो कोरियर सर्विस के लिए, बहुत सारे अवार्ड एंड रिकग्निशन कंपनी करती रहती है, तो वो भी तो अवार्ड एंड रिकग्निशन का भी तो पैसा वहीं से जाता है। बहुत सारा प्रोडक्शन वगैरह जो भी देखना होता है, लाइसेंस परमिशन, तो वो सारा कुछ बचा हुआ जो परसेंटेज है कंपनी अपने पास रखती है क्योंकि तो उनको वो भी देखना पड़ेगा। ऐसा अगर आप समझ लीजिए, बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बोलती है कि हम 60% डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 100 रुपए का 60% या 70% डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो थोड़ा सोचने वाली बात है। आप भी समझदार है तो कंपनी कहाँ से मेंटेन कर रही है अपने ऑफिसेस को, कहाँ से मेंटेन कर रही है डिमांड एंड सप्लाई को, कहाँ से मेंटेन कर रही है मैन पावर को, कहाँ से मेंटेन कर रही है इतने सारे ब्रांचेस का इलेक्ट्रिसिटी बिल, कहाँ से मेंटेन कर रही है और भी बहुत सारी जो भी लाइक अवार्ड रिकग्निशन करती है, ट्रेनिंग्स करती रहती है, बहुत सारी हमारी कंपनी तो फ्री में बहुत सारी ट्रेनिंग्स भी अरेंज करती है, तो वो कहाँ से मैनेज कर रही है। तो आपको सोचने वाली पूरी मतलब जरूरत है। अगर आप बहुत सारे नेटवर्कर्स आपके पास अटैक करेंगे कि हमारी कंपनी में 70% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो समझदारी से काम लीजिए। ओके, तो हमारी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है 36% आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आगे बढ़ते हैं प्रोडक्ट की तरफ। तो प्रोडक्ट सारे के सारे टेस्टेड एंड प्रूवन प्रोडक्ट है क्योंकि खुद का ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहां पर प्रोड्यूस किया जाता है, तो डिमांड एंड सप्लाई जो भी होता है बड़े अच्छे से मैनेज करती है कंपनी। और एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्शन होता है और यहाँ पर दिया जाता है आपको 100% सेटिस्फेक्शन की गारंटी। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको पसंद नहीं आता है तो ये आपके पास एक राइट्स है कि 30 डेज के अंदर बचा हुआ जो यूज भी कर लिया है प्रोडक्ट, जो बचा हुआ प्रोडक्ट है इनवॉइस के साथ आइए 30 डेज में कंपनी आपको पैसे वापस करेगी। ये इतना बड़ा गारंटी एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी देती है। और ये नेटवर्क ये जो जो भी हमारे रूल रेगुलेशन है नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग का गाइडलाइंस के अंतर्गत ये बताया गया है, लिखित रूप में रखा हुआ है कि कोई भी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ये जरूर देना है ऑप्शन कि क्योंकि यहाँ पर वर्ड ऑफ माउथ के द्वारा बताया जा रहा है प्रोडक्ट, तो ये गारंटी जरूर होनी चाहिए कि आप यूज किया हुआ प्रोडक्ट भी वापस ले लेंगे। क्योंकि अगर एक कस्टमर हम खराब करते हैं, मान लेते हैं एक कस्टमर खराब होता है, तो वो कई सारे लोगों को जाकर बता देगा। क्योंकि आपको भी पता है कि एडवर्टीजमेंट तो बहुत मतलब कि टाइम लगेगा, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ के द्वारा जो भी पब्लिसिटी होती है वो बहुत ही आग की तरह फैलती है
है ना, बहुत सारे लोगों के पास टीवी नहीं होगा, रेडियो नहीं होगा, मोबाइल नहीं होगा, तो उनके पास एडवर्टीजमेंट नहीं जाएगा, लेकिन बातों की जो हम वार्तालाप करते हैं वो बहुत तेजी से फैलता है। तो यहाँ पर 100% सेटिस्फेक्शन की गारंटी देता है। अब आते हैं कॉस्ट के ऊपर। तो कॉस्ट जस्ट होल्ड ऑन, तो कॉस्ट के ऊपर आते हैं। तो हमारे जो कंपनी के जो भी प्रोडक्ट हैं वो आप कंपेयर कर सकते हैं बाहर के प्रोडक्ट्स। एक तो अच्छा प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट, एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी से बना हुआ प्रोडक्ट जो है आप बाहर के मार्केट से कंपेयर कर सकते हैं, मतलब कि कंपेयरेबल प्रोडक्ट है। इतना ज्यादा भी बहुत सारी कंपनी के जो प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइज्ड प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन क्वालिटी कुछ और होती है, लेकिन हमारा हमारा जो कंपनी के प्रोडक्ट है वो सारे के सारे जो प्राइस है उसका अफोर्डेबल प्राइस है, तभी ये इतने सालों से चल रही है। 18 ईयर्स हो चुके हैं और 79% ग्रोथ रेट को मेंटेन कर रही है। आई होप आप लोगों को समझ में आया है अभी तक कि वेस्टीज ही क्यों आपने चुना और वेस्टीज कैसे और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से डिफरेंट है, कैसे ये इंडिया की नंबर वन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और कैसे जो 100 जो DSM रिपोर्ट है वहां पर अभी तक अपना जो रैंक बना कर रखी है। अगर आप गूगल में यूट्यूब में जाएंगे तो वहां पर सर्च कीजिएगा 100 DSM रिपोर्ट, तो आपको रिसेंट जो रिपोर्ट है, क्योंकि एवरी फिनेंशियल ईयर में, फिनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 30th मार्च को खत्म होता है, तो उस बीच में जितने भी पूरे वर्ल्ड की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होती है उनका रैंकिंग किया जाता है। आपका बच्चा भी स्कूल में पढ़ता है, पूरे साल पढ़ाई करता है, तो एग्जाम देने के बाद मार्क्स के ऊपर डिपेंड किया, मतलब कि डिसाइड किया जाता है कि वो किस रैंक पर है। तो ऐसे ही बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं, तो 100 टॉप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों को निकाला जाता है और उनका क्या किया जाता है, रैंकिंग किया जाता है। और रैंकिंग किस बेसिस पे किया जाता है, दो डाटा पे, जैसे आपके बच्चे का रैंकिंग होता है एग्जाम में लाए हुए मार्क्स पे, तो यहाँ पर जो भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां होती हैं उनकी रैंकिंग की जाती है दो डाटा पे। पहला डाटा होता है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कितना रेवेन्यू जनरेट किया था और कितने लोग एसोसिएट हुए, दो डाटा के ऊपर उनका रैंकिंग किया जाता है। तो आपको बहुत ही आश्चर्य होगा कि हमारी कंपनी कई साल से 100 DSM जो रिपोर्ट है, जो लिस्ट है, उसमें अपना रैंक बनाकर रखी है और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 2021 टू 2022 फाइनेंशियल ईयर में हमारी कंपनी थी 38 रैंक पर। और 38 रैंक को सुनकर कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि 38 रैंक बताते समय मैडम इतना क्यों खुश हो रही है, अब जो नेक्स्ट मैं बात बताने जा रही हूँ वो सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि जो 100 लिस्ट है, जो भी 100 लिस्ट है, एकमात्र भारतीय कंपनी वेस्टीज ही उस लिस्ट में है और सभी के सभी बाकी के 99 कंपनीज वो एब्रॉड की कंपनी है, यानी कि विदेशी कंपनी है, जापान, US, चाइना, वहां की कंपनी है। सिर्फ एकमात्र भारतीय कंपनी जो है वेस्टीज उस DSM रिपोर्ट में अपना कई साल से अपना रैंक को बनाकर रखी है। सो आई होप आप लोगों को भी बहुत ही गौरवमान फील हो रहा होगा। तो चलिए आगे चलते हैं स्लाइड की तरफ, लेकिन स्लाइड पे जाने से पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि क्वेश्चन चैट बॉक्स में आया था। या रोहिता कुमारी जी, पीवी का फुल फॉर्म होता है पॉइंट वैल्यू, पीवी का फुल फॉर्म होता है पॉइंट वैल्यू, लाइक एवरी 30 रुपीज के परचेजिंग में, 30 to 35 रुपीज के परचेजिंग में आपको यहाँ पर पॉइंट वैल्यू मिलता है। पॉइंट वैल्यू होता है लेवल को देखने के लिए, पॉइंट वैल्यू होता है लेवल को देखने के लिए। तो लाइक मैं एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ कि मान लेते हैं रोहिता जी आप जा रही हैं US में जा रही हैं घूमने के लिए अपने पूरे परिवार के संग, तो आप तो इंडिया में रहती हैं, लेकिन इंडिया में चलता है करेंसी, इंडियन करेंसी चलता है, लेकिन वो इंडियन करेंसी वहाँ US में तो नहीं चलेगा, वहां पे तो डॉलर चलता है ना। तो अब आप क्या करेंगी, अपना इंडियन करेंसी को एक्सचेंज करेंगी,
तो आप क्या करेंगी कि आप जाएंगी एक्सचेंज जो भी होता है, जो सेल होता है वहां पर जाएंगी, और जितना पैसा आप लेकर जाना चाहती हैं वहां पर उतना करेंसी, इंडियन करेंसी उस एक्सचेंज सेल को देंगी। और एक्सचेंज सेल क्या करेगा, देखेगा कि अभी का क्या रेट चल रहा है यूएस में, डॉलर का क्या रेट चल रहा है। मान लीजिए डॉलर का रेट चल रहा है 78 रुपीज या 75 रुपीज, तो अगर आपने दिया है 1 लाख रुपया तो 1 लाख रुपए को डिवाइड कर देगा 78 रुपीज से, तो जो अमाउंट निकल कर आता है वो अमाउंट आपको कन्वर्ट करके दे देगा डॉलर में। आई होप समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही हम ज्वाइन करते हैं तो हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटर आईडी आ जाता है। जैसे कि आपने ज्वाइन किया था तो आपके मोबाइल में एक वेलकम मैसेज आया था कि वेलकम फ्रॉम वेस्टिज मार्केटिंग करके आया था, और आपका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी एंड पासवर्ड आया था। तो जैसे ही आप हमारे वेस्टिज से ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी अगर आप परचेजिंग करते हैं, तो क्या करेगा कंपनी, मान लेते 1,000 रुपया दिया तो 1,000 रुपए को 30 या 35 रुपीज जो भी रेट चल रहा है उससे डिवाइड कर देगा, उतना पीवी एकदम इमीडिएट आपके खाते में दिखने लगेगा। और वही पीवी होता है आपके लेवल को देखने के लिए कि आप कौन से लेवल पर हैं, उस लेवल के हिसाब से आपका कैशबैक आता है जिसको कहा जाता है परफॉर्मेंस बोनस, जो कि सेकेंड टाइप ऑफ इनकम है हमारी कंपनी का आउट ऑफ 10 टाइप ऑफ इनकम। आई होप मैंने आपका डाउट को क्लियर किया है। पॉइंट वैल्यू होता है पीवी का फुल फॉर्म। 30 to 35 रुपीज में, एवरी 30 to 35 रुपीज में 1 पॉइंट वैल्यू। पीवी होता है लेवल को देखने के लिए। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आगे मतलब इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए जरूरी होता है आपका लक्ष्य। अगर लक्ष्य सही तरीके से निर्धारित नहीं किया तो ज्यादा आप अपना लक्ष्य पर निशाना नहीं लगा पाएंगे। जो लक्ष्य पर निशाना साध तो रहे हैं लेकिन लक्ष्य ही क्लियर नहीं है तो आपका लक्ष्य पर निशाना जाकर नहीं लगेगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग का चुनाव कर लिया, वेस्टिज कंपनी का भी चुनाव कर लिया, लेकिन कहाँ पर जाना है आपको वो तो पहले क्लियर होना चाहिए ना। वो जब क्लियर होगा तब तो आप कहीं भटकेंगे नहीं, अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले मैं स्लाइड प्ले करने जा रही हूँ गोल सेटिंग का। आप लोगों को बने रहना है, ध्यान पूर्वक बातों को सुनना है। जहां पर भी अगर कुछ काम कर रहे हैं तो 40 मिनट के लिए, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, 40 मिनट के लिए आपको मेरी बातें सुननी है। ओके, तो चलिए ज्यादा लेट नहीं करते हैं। प्रतिभा जी दिख रहा है क्या? यस मैम, स्लाइड दिख रहा है प्रतिभा जी? यस मैम दिख रहा है। हाँ हाँ क्लियर दिख रहा है मैम। ओके सुना है कि गोल मतलब होता है लक्ष्य, ये सब कुछ हम जानते हैं, लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा बैठ कर और इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और अपने पूरे भी जो भी गोल्स हैं उनको रीडिफाइन करेंगे। सबसे पहले तो हम चलते हैं कि ड्रीम, जैसे ही ड्रीम का नाम सुनते हैं ना तो बहुत सारे लोग क्या उनके मिसकंसेप्शन होते हैं, मिथ्स होते हैं, क्या क्या मिथ्स हैं, क्या क्या मिसकंसेप्शन है वो पहले समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग डर जाते हैं सपने के बारे में बात सुनते ही या बात करते ही। वो क्या उनके बीच में क्या मिसकंसेप्शन है कि जो पैसा है ना, टू मेक मनी इज रॉन्ग, पैसा कमाना या पैसा बनाना बहुत ही गलत है,
क्योंकि पैसा सारे फसाद की जड़ होती है। जितना भी कलह होता है घर में वो सब कुछ पैसे के कारण ही होता है। जितना भी चोरी डकैती या कुछ भी प्रॉब्लम होता है कहीं ना कहीं पैसे की वजह से ही होता है। तो ये मिसकंसेप्शन आपको आगे नहीं बढ़ने देता। नेटवर्क मार्केटिंग आ गया है आपके पास। कल का मैंने एक मोटिवेशनल स्टोरी डाला था कि क्या डाला था कि हीरे के ढेर पे बैठकर हम मूंगफली को तोड़ रहे हैं। हीरे का ढेर है, नेटवर्क मार्केटिंग आ गया है आपके घर में और वेस्टेज भी आ चुका है, लेकिन तब भी ये मिसकंसेप्शन आपको मजबूरन मूंगफली तोड़ने के लिए बोल रहा है, मूंगफली बेचने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले है ये मिसकंसेप्शन। और क्या है कि पैसा कमाने के लिए या सपने पूरे करने के लिए तो भैया जॉब करना पड़ेगा, यानी कि 9 to 5 वाली जॉब इज नेसेसरी। जो 9 to 5 की वाली जॉब करते हैं उन्हीं के सपने पूरे होते हैं, वही पैसा कमाते हैं। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे व्यापारी मतलब कि 5% वाली कैटेगरी में, मतलब कि कितने कम 5% वाली कैटेगरी में आते हैं, बहुत ही कम आते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग 95% वाली कैटेगरी में आते हैं, यानी कि उनके सपने पूरे नहीं होते हैं। वो लोग इसी मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि सपने तो पूरे होंगे जब हम 9 to 5 वाली जॉब करें। लेकिन बिजनेसमैन और इन्वेस्टर समझ चुके होते हैं कि 9 to 5 वाली जॉब को करके हम अपने सपने पूरे नहीं कर सकते, बल्कि हम तो इस 9 to 5 वाली जो मिथ है ना, उसको तोड़कर ही अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जितनी चादर हो ना उतनी ही पैर फैलानी चाहिए, ज्यादा हवा में मत उड़ो, ज्यादा चने के झाड़ पर मत चढ़ो, ऐसी बातें मत बोलो कि हवा में, मतलब कि पेड़ से पैसे तोड़ने की बातें मत करो। यानी कि वो क्या बोलते हैं कि सपने देखने हैं तो रियलिस्टिकली सपने देखो, यानी कि जो तुमसे पूरा या संभव हो सकता है, जो तुम्हारी औकात है, ऐसा कहा जाता है। ये मिसकंसेप्शन है लोगों की। और क्या कहते हैं कि सपने पूरे करने हैं ना तो हायर डिग्री, बहुत अच्छा पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर ऐसा ही होता तो बहुत सारे बिजनेसमैन, आप जाकर देख लीजिए उनका बैकग्राउंड, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनके पास दिमाग है, उन्होंने अपने दिमाग का यूटिलाइजेशन किया। जो 9 to 5 वाली जॉब करते हैं, जो बोलते हैं कि पैसे पेड़ पे नहीं फलते हैं या जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाने चाहिए, वही लोग जिंदगी भर अपना 70 kg वजन जो शरीर का होता है उसका उपयोग कर पैसा कमाते हैं। और जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, मात्र 50 g अपना दिमाग का उपयोग करके पैसा कमाते हैं। ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि पैसा कमाने के लिए ज्यादा पढ़ाई करना है। ये मिसकंसेप्शन है जो कि बेड़ियां हैं, जो कि रोकती है आपको सपने देखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और क्या बोलते हैं कि कॉर्पोरेट और जब हायर जॉब होगा तो मतलब तो भैया आप अब तो लाइफ झिंगा लाला हो जाएगी, यानी कि सारे के सारे सपने पूरे हो जाएंगे। ये सारे के सारे मिसकंसेप्शन है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, मींस गोल एंड वर्सेस एंड गोल। यानी मींस गोल क्या होता है? मींस गोल यानी कि आपका आपका क्या होगा, मींस गोल यानी कि क्या आपको पाना है। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं कि अगर किसी को मैंने पूछा कि आपको क्या पाना, क्या करना है, आपका गोल क्या है, तो वो बोलती है कि मुझे क्राउन डायरेक्टर बनना है या मुझे यूसीडी बनना है। ये उसने बोला कि मेरा गोल है, यानी कि उसका एंड गोल है। लेकिन मींस गोल मतलब कि क्या होगा कि क्यों पाना है, क्यों पाना है उसको क्राउन डायरेक्टर, यानी कि क्या कर लोगी तुम, क्राउन डायरेक्टर क्यों बनना है तुमको। तो वो बोलते हैं कि उस समय मेरी 1 lakh इनकम होगी, तो फिर बोलेंगे अच्छा ठीक है 1 lakh इनकम क्यों चाहिए, क्योंकि क्राउन डायरेक्टर में मैंने सुना है कि यहाँ पर हाउस फंड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तुमको हाउस फंड क्यों चाहिए? तो हाउस फंड मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे घर बनाना है। तुमको घर क्यों बनाना है? क्योंकि 30 साल से मैं अपने माँ से अलग हूँ, मैं 30 साल से अकेले मैं नौकरी कर रहा हूँ,
20 साल से मैं अकेले ही मतलब कि अपने एक रेंट लेकर रह रहा हूँ और इतनी थोड़ी ही इनकम हो पाती है कि मतलब उस इनकम से मैं अपनी माँ का मतलब अपनी माँ के साथ नहीं रह सकता हूँ ऐसे महंगे शहर में। तो मैं क्या करता हूँ, अकेले रहता हूँ, 30 साल से अकेले रह रहा हूँ, मेरी माँ अकेले 30 साल से गाँव में रह रही है, कुछ पैसा मैं भेज पाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं क्राउन डायरेक्टर बन जाऊँ, कि मेरा हाउस फंड स्टार्ट हो और मैं एक घर बना लूँ और घर बना के अपनी माँ के साथ रहूँ। तो आई होप आप समझ रहे हैं कि एंड गोल होता है कि क्या पाना है, क्या बनना है, एंड गोल। लेकिन मींस गोल क्या हो गया कि उसको पाने के लिए क्या क्या करना है। आइए थोड़ा सा और आगे समझते हैं। एंड गोल मतलब ये समझा दिया है मैंने आपको। तो हमको सबसे पहले देखना है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये बताऊंगी, जैसे कि ये मान लीजिए ये आपका एंड गोल है कि मुझे यहाँ पर पेरिस में जाना है और पेरिस में जाकर मुझे एक डिनर करना है अपनी फैमिली के साथ, है ना, ये आपका एंड गोल है। एक मुझे घर चाहिए जिसके सामने बहुत बड़ा सा स्विमिंग पूल हो, अच्छा सा सेंट्रलाइज एसी घर हो, नीचे फ्लोर हो, नीचे पूरा बहुत अच्छी से एंट्री हो, उसके बाद गेस्ट रूम हो और ऊपर भी मेरे बच्चों का अलग अलग रूम हो। तो ये आपका घर है। मेरे को लंदन जाना है और वहां पर जाकर पूरा घूमना है। मुझे मेरा एक जेट एयर जेट मेरा होना चाहिए, प्राइवेट जेट होना चाहिए। प्राइवेट जेट से उतरूं तो मेरे एक लग्जरी कार खड़ी हो और लग्जरी कार को चलाने के लिए एक यूनिफॉर्म में ड्राइवर हो। ये आपके सपने हैं। मैं अभी तक इकोनॉमी क्लास में ही सफर कर रहा था लेकिन मैं बिजनेस क्लास में सफर करना चाहता हूँ। बिजनेस क्लास यानी कि सब कुछ एयर होस्टेस खाना वाना लेकर आती है। सोचिए कैसा फील होगा आपको कि उड़ते हुए प्लेन में आपका पूरा का पूरा बिजनेस क्लास में पूरा का पूरा अच्छे तरीके से ट्रीट किया जा रहा है और आपको खाना वाना जो भी आपको चाहिए वहां पर दिया जा रहा है। ये आपका गोल हो सकता है, एंड गोल। लेकिन ये स्कूल में पढ़ाई की है ना, स्कूल में पढ़ाई की है तो स्कूल में पढ़ाई करने के लिए वहां पर भी आपको 3 चीजें करनी पड़ी थी। क्या क्या करनी पड़ी थी? वहां पर एक टीचर होता था जो आपको पढ़ाता था, दूसरा आपके क्लासेस आपको अटेंड करने पड़ते थे और तीसरा वहां पर आपको बुक्स रेफर करना पड़ता था। ओके, आपका एंड गोल है ये सब कुछ। ओके, ये एंड गोल है। बहुत सारे लोगों का नेटवर्क मार्केटिंग में गोल वो लोग बनाते हैं लेकिन उनके पूरे क्यों नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उन्होंने एंड गोल तो बना दिया लेकिन उसको पाने के लिए जो जो काम करने हैं वो नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो इसको पूरा करने के लिए हमको 3 चीजों पे ध्यान देना है। पहला ध्यान देना है कि टीचिंग मतलब क्लासेस अटेंड करने हैं, बुक्स को रीडिंग करना है और साथ ही साथ जो भी हमारे टीचर यानी कि जो भी मेंटर्स होते हैं उनकी बातों को हमको समझना है। तो वो आगे और मैं आपको डिस्कशन करूंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि टोनी रॉबिन्स जी ने क्या कहा है गोल के लिए। व्हाट ऑल आवर सोल क्रेव इज ग्रोथ एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। ग्रोथ मतलब क्या होता है, हाउ डू यू वॉन्ट टू ग्रो, ग्रो करने के लिए यानी कि एंड गोल पर पहुंचने के लिए क्या क्या चीजें पहले करनी है। सबसे पहले अपनी सोल की ग्रोथ करनी है यानी कि अपना माइंडसेट बनाना है, मॉर्निंग जल्दी उठने की आदत डालनी है ना। जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, आप उनकी बातें या उनकी जो भी बायोग्राफी है आप पढ़िए। उन्होंने कहा है कि वो लोग मॉर्निंग उठते हैं, अगर आप लेट उठेंगे तो वो समय को गवा देंगे और वो गवाया हुआ समय आप उसको ढूंढते रहेंगे कि वो समय मुझे मिल जाए कि मैं अपना काम कंप्लीट कर लूं। क्योंकि अगर आप लेट उठेंगे तो आपका सारा काम डिलेड होते जाएगा और डिलेड होते जाएगा और एंड ऑफ द डे आप उस टास्क को भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन, वो लोग सुबह जल्दी उठते हैं और सुबह जल्दी उठकर वो लोग मॉर्निंग में योगा करते हैं, बुक रीडिंग करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि स्कूल में आपने काम किया है, क्या काम किया है, बुक रीडिंग की है। तो यहाँ पर भी आप बुक रीडिंग करने की आदत डालिए।
बिकॉज एंड गोल तो तभी मिलेगा जब आप लर्निंग करेंगे. विदाउट लर्निंग आप भी ग्रेजुएट नहीं हुए कहलाएंगे, है ना. वो आपके घर में बच्चे भी हैं, विदाउट लर्निंग क्या वो क्लास को पास कर जाएंगे? विदाउट टेकिंग क्लासेस, ट्रेनिंग क्लासेस, क्या वो पास हो जाएंगे? तो यहाँ पर भी नेटवर्क मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग का कोई स्कूल तो नहीं है. ऐसा कोई स्कूल नहीं है कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास नेटवर्क मार्केटिंग का कोई स्कूल नहीं है, ना ही कोई आपका ऐसा बना हुआ है. लेकिन हाँ, यहाँ पर बुक्स है जो कि आपको रीड करने की आदत डालनी है. जैसे कि बनिए नेटवर्क मार्केटिंग बिलियनियर, सोचिए और अमीर बनिए, रिच डैड पुअर डैड, बहुत सारे बुक्स है जो कि आपको रेफर किए जाएंगे. उनको रीड करने की आदत डालिए, क्योंकि लर्निंग, नॉलेज इज पावर बट लर्निंग इज सुपर पावर. जितना आप बुक रीडिंग करेंगे उतना आपका अच्छा रहेगा. फिर उसके बाद अपना थोड़ा सा जिम जाने की आदत डालिए, क्योंकि देखिए माइंड तो आपका स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन माइंड तो तब तक चलेगा ना जब आपका हेल्थ स्ट्रांग होगा, आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी. बॉडी का एक पार्ट है माइंड, बॉडी का एक ऑर्गन है माइंड. तो अपनी बॉडी को हेल्दी और स्ट्रांग रखने के लिए, टोन रखने के लिए जिम जाने की आदत डालिए. जिम जाएंगे तो उससे क्या रहेगा कि खून आपका जल्दी अच्छे से प्रवाह करेगा आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी टोन रहेगी, शेप में रहेगी, आपका माइंड बहुत ही शार्पन रहेगा. बहुत सारे जो जिम में जाते हैं, आपने देखा होगा कि वो लोग, उनका ना तो हेयर फॉल होता है, कुछ एजिंग भी जल्दी नहीं आती है, क्योंकि उनकी बॉडी से पूरा टॉक्सिन निकलता है, और वो लोग शार्पन रहते हैं, फोकस्ड रहते हैं. वो लोग वो अपनी गोल पर फोकस्ड रहते हैं, वो लोग उपस्थित रहते हैं. अगर आप किसी भी चीज में कोई भी वार्तालाप कर रहे होंगे तो वो लोग उस मोमेंट में उपस्थित रहते हैं. तो ये सब कैसे आता है? योगा करने से, बुक रीडिंग करने से, और थोड़ा सा अपना समय देने से, अपना जिम में जाने से. और उसके बाद आप ये क्लासेस को अटेंड करना है. जैसा कि मैंने बोला, स्कूल में क्या हुआ था, आप क्लासेस को अटेंड करते थे. तो यहाँ पर क्लासेस को, ट्रेनिंग को अटेंड करना बहुत ही जरूरी है. क्योंकि देखिए, कंपनी और जो मेंटोर है वो तो अब क्लासेस चलाते रहते हैं, ट्रेनिंग सेशंस चलाते रहते हैं. वो ट्रेनिंग सेशंस और कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेनिंग सेशंस क्यों चला रही है? क्योंकि उनका जो जो एंड गोल है, क्या है एंड गोल? आपके मेंटर का क्या एंड गोल है? कि उसको हायर लेवल पर जाना है. तो उसको हायर लेवल पर जाने के लिए अपने लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा. तो उसका क्या हो गया, ट्रेनिंग देना एक प्रोसेस्ड गोल हो गया. एंड गोल क्या है, हायर लेवल, और ट्रेनिंग देना क्या हो गया, प्रोसेस्ड गोल हो गया. और कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट में क्यों चलाती है ट्रेनिंग? क्योंकि कंपनी का एंड गोल है बेंचमार्क बनना नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में. तो प्रोसेस्ड गोल क्या है, लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेनिंग देना. जितना लोगों को ट्रेन करती जाएगी तो लोग क्या रहेगा, उतने स्ट्रांग होंगे, स्ट्रांग टीम बनेगी, तो उनकी कंपनी भी स्ट्रांग बनेगी. इसीलिए फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेनिंग चलता है. तो आपके मेंटोर का, कंपनी का तो एंड गोल है अपने आप को हायर लेवल पर ले जाना, स्ट्रांग वे कन्वर्ट करना. लेकिन आपका क्या है एंड गोल, सपनों को पूरा करना. सपने तो तभी पूरे होंगे जब आप लर्निंग करेंगे, और लर्निंग करने के लिए आप क्लासेस को अटेंड करेंगे, तभी आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं. तो एंड गोल तो जरूर पूरा होगा, लेकिन मेन गोल तो आपको करने के लिए बैठना ही होगा. मीन गोल, आई थिंक आप समझ रहे हैं, मीन गोल एंड प्रोसेस्ड गोल बोथ आर सेम. ठीक है, तो क्लासेस को अटेंड करना बहुत ही जरूरी है. थोड़ा सा योगा करने की आदत डालिए, मेडिटेशन करने की आदत डालिए. क्योंकि मेडिटेशन से क्या होता है, आप फोकस्ड रहते हैं. क्योंकि कहा जाता है कि आप दिन भर में सोचते रहते हैं, और इसमें आपका भी कोई कंट्रोल नहीं है, ना ही मेरा कंट्रोल है. जैसे हमारे सर के ऊपर चलते हुए बादल है जिनको हम कुछ भी करके कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वैसे ही हमारे दिमाग में आते हुए थॉट्स जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. लेकिन उन थॉट्स से चिपक नहीं जाना है, वो चिपक ना जाए, उसके लिए मेडिटेशन बहुत ही अच्छा हेल्प करता है. मेडिटेशन 15 मिनट करने की आदत डालिए. 15 मिनट में बस क्या करना है, अपनी सांसों पे ध्यान देना है, जिससे आपका कॉन्सेंट्रेशन आपकी सांसों पर होगा, तो आपके थॉट्स आने रुक जाएंगे धीरे धीरे करके, मतलब बंद भी हो जाते हैं. उससे क्या रहेगा, आपका फोकस जो है, जो कि थर्ड आई चक्रा है, वो और ज्यादा मतलब कि स्ट्रांगर हो जाता है. तो आई होप आप लोगों को समझ में आया है कि
आपका मेन एंड गोल क्या है, एंड गोल ये सब कुछ मतलब कि जैसा कि मैंने बताया ये एंड गोल है, ये तो आप लिखे होंगे या बनाएंगे कि मुझे ये पाना है पाना है पाना है, लेकिन एंड गोल पाने के लिए प्रोसेस्ड गोल क्या है, प्रोसेस्ड गोल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने प्रोसेस्ड गोल पे ध्यान नहीं दिया तो एंड गोल नहीं आ पाएगा। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में वो सारे लोग फेल हो जाते हैं जो कि बस एंड गोल बना देते हैं लेकिन मेन गोल या प्रोसेस्ड गोल पे ध्यान नहीं देते हैं। तो प्रोसेस्ड गोल पे ध्यान देना बहुत ही अति आवश्यक है। फिर उसके बाद आती है इम्प्लीमेंटेशन की, यानी कि प्लान ऑफ एक्शन की। आपने लर्निंग कर लिया, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, मेंटर की बातें भी सुन रहे हैं, उनको डुप्लीकेट भी करना स्टार्ट कर दिया है और बुक्स भी रीडिंग कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यानी कि अब बारी आती है इम्प्लीमेंट करने की। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना है, डेली एटलीस्ट हमको प्लान शो करने की आदत डालनी है। प्लान शो हम लोग तो कहते हैं कि डेली आप लोगों को प्लान शो, तीन प्लान शो करना होता है, यानी कि अगर तीन प्लान शो करते हैं तो ऑन एन एवरेज देखेंगे तो महीने में तो एटलीस्ट आपके 15 मतलब कि ऐसे लोग हो जाएंगे जो ज्वाइन हो जाएंगे, है ना, 15 लोग ज्वाइन हो जाएंगे। मतलब कि तीन प्लान दिखाने की आदत डालनी है। अब ये प्लान दिखाना नहीं आता है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि अब आ जाते हैं लर्निंग वाले सेक्शन में कि आप खुद जाइए यूट्यूब में या आप उस सेशन में बैठिए जहां पर प्लान शो करना या ट्रेन द ट्रेनर का पार्ट बनिए कि जहां पर आप प्लान शो करना सीखेंगे, है ना। मैंने फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, मेंटोर और कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट में डेली ट्रेनिंग्स डालती है, डेली ट्रेनिंग्स चलाती है। ये वो इसलिए चला रही है क्योंकि उनका एंड गोल है अपने आप को हायर लेवल पर जाना, स्ट्रांग टीम में कन्वर्ट करना। लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस सेशन में बैठे, अगर आप नहीं बैठते हैं तो कंपनी या मेंटर की कोई गलती नहीं या मतलब कि उसका कोई लॉस नहीं है, ये तो आपका लॉस होगा कि आप अपने एंड गोल पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो क्या करना है, जब आपका गोल सेटिंग हो जाता है, लर्निंग भी हो जाती है, तो आपको प्लान शो करने की आदत डालनी है, डेली प्रोडक्ट को यूज करने की आदत डालनी है, 100% यूजर बने रहना है इस कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट है। 350 से ज्यादा कंपनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, हर एक प्रोडक्ट को यूज करना है। और जब भी हम यूज करते हैं तो एक बार उस डब्बे को देखिए कि क्या नाम लिखा है। ओके, नाम तो अब वैसे आपको पता ही है कि हाँ नोनी है या कुछ भी है, लेकिन वो नोनी क्या काम करता है। कंपनी बहुत सारी ट्रेनिंग चलाती है, डेली VWS हर महीने होते रहते हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग्स कंपनी खुद लीडर भी अपना अरेंज करवाती है जहां पे प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स दिलवाती है। ये वो इसलिए कर रही है क्योंकि उनको एंड गोल कुछ और है, लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप उस सेशन में नहीं बैठे हैं तो कोई बात नहीं, जो डब्बा आप यूज कर रहे हैं, गोली यूज कर रहे हैं, उस गोली का नाम सर्च कीजिए यूट्यूब में, वेस्टिज नोनी, और जो भी शॉर्ट वीडियो आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का 20 मिनट का वीडियो होता है, उसको देख लीजिए। क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज रहेगा तभी आप दूसरा काम कर पाएंगे, यानी कि शेयर कर पाएंगे, तभी आप अपने रिटेल कस्टमर बन पाएंगे। क्योंकि रिटेलिंग करने के लिए भी या रिटेल कस्टमर अपने नीचे बनाने के लिए भी उनको भी आपको डीप नॉलेज देना पड़ेगा। कोई भी आता हुआ आदमी ऐसे ही कैसे खरीद लेगा, मोनी तो बहुत जगह पे मिल रही है, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि वो क्या काम करती है ना। तो प्लान ऑफ एक्शन में क्या आता है कि आपको क्या करना है कि डेली तीन प्लान दिखाने की आदत डालनी है, सारे प्रोडक्ट को यूज करना है, एटलीस्ट 10 रिटेल क्लाइंट अपने नीचे बनाइए जो कि रिटेलिंग करे, यानी कि MRP पे सामान को बेचे, और उसके बाद डेली आपको 15 मिनट वीडियो जो भी बुक रीडिंग करने की आदत डालनी है और 15 मिनट पॉजिटिव ऑडियो को सुनने की आदत डालनी है। और ये इस तरीके से आपको बनाना है अपना विजन बोर्ड, अपना ड्रीम बोर्ड, क्योंकि ड्रीम बोर्ड आपने ड्रीम तो बना लिया है लेकिन लक्ष्य अगर आपके
सामने नहीं होता है तो ज्यादा दिन नहीं कि वो आप धीरे धीरे उससे दूर हो जाएंगे और वो ओझल हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लेते हैं आप अपने पूरे परिवार के संग, आपकी वाइफ है, दो छोटे बच्चे हैं, आपके माता पिता हैं, बूढ़े बुजुर्ग माता पिता हैं, आप उनके साथ एक ड्राइव पर जा रहे हैं कार में बैठकर, और वो बीच में आता है एक हाईवे, ओके, और आपकी वाइफ बाजू में अपनी छोटी सी बेटी को लेकर बैठी हुई है और आप अपनी हाईवे पे जा रहे हैं, वन वे है, तो आपने क्या किया कि गाड़ी को स्पीड पे चला रहे हैं 120 की स्पीड पे। आपकी वाइफ बोल रही है कि मुझे डर लग रहा है, प्लीज आप थोड़ा सा लो कर लीजिए, प्लीज इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, प्लीज आप थोड़ा सा धीमे कर लीजिए। आप उनकी बातों को सुनते नहीं है और तेज करते रहते हैं, 120 की स्पीड कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर आपके माता पिता भी बोलते हैं कि बेटा इतना तेज मत चलाओ, हमको डर लग रहा है। आप उनकी बातों को भी नहीं सुनते। बाद में क्या होता है, आगे जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि दो गाड़ियां आपस में टकराई होती है और वहां पर जो मेन ड्राइवर होता है उस ड्राइवर का पूरा एक्सीडेंट हो चुका होता है, वो बाहर गिरा होता है, बाहर की तरफ शीशे के बाहर गिरा होता है, उसकी खोपड़ी पूरी फूट गई होती है, मतलब कि खोपड़ी उसका जो पूरा सर जो है पूरा डैमेज हो चुका होता है, दिमाग पूरा बाहर निकला होता है। अब वो सीन देखने के बाद आप अपनी गाड़ी को 70 या 60 की स्पीड पे कर लेते हैं क्योंकि आपने अभी नया नया वो सीन को देखा हुआ है। तो जब तक वो नया नया ताजा ताजा आपके दिमाग में रहता है वो सीन, तब तक तो आपकी गाड़ी 70 से ऊपर नहीं जाती है। लेकिन धीरे धीरे करते करते आगे चाय पानी किया, नाश्ता किया, खाना वाना खाया, उसके बाद बातचीत करते करते वो दिमाग से हट गया, ओझल होते गया, हटते गया, तो आप फिर से 120 की स्पीड पे कर दिए गाड़ी को क्योंकि वो दिमाग से आपका चला गया। लेकिन अगर आपने उस सीन का जहां पर एक्सीडेंट हुआ था उस समय उसका फोटो निकालकर और उसका प्रिंट आउट निकालकर अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग पर लगा दिया होता तो मजाल है कि आप मतलब 120 की स्पीड करेंगे, क्योंकि अब तो स्टीयरिंग पर है ना, आपकी नजरों के सामने वो एक्सीडेंट का सीन है, तो आप कतई 120 की स्पीड में नहीं करेंगे। जैसे ही उसको स्टीयरिंग पे देखेंगे तो फिर से 70 की स्पीड पे अपनी गाड़ी को लेकर आ जाएंगे कि जान है तो जहान है, है ना। तो कहने का अर्थात क्या है, ड्रीम तो सेट हो जाता है, लिखित रूप में आप डायरी में भी कर लेते हैं, लेकिन अगर ड्रीम बोर्ड ना बना हो तो धीरे धीरे करते करते ओझल हो जाते हैं हम, अपनी दिनचर्या में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि धीरे धीरे क्या गाड़ी, क्या बंगला, क्या घोड़ा, वो सब कुछ भूल जाते हैं और फिर हम अपने मन मस्त हो जाते हैं, वही काम करते हैं, हीरे के ढेर पे बैठ के मूंगफली तोड़ने की कोशिश करते हैं या मूंगफली को बटोरने के बेचने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमारा ड्रीम ओझल हो चुका है। तो ड्रीम बोर्ड में कन्वर्ट करना बहुत ही जरूरी होता है, जितने भी सक्सेस सेमिनार होते हैं उसको अटेंड करना आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है। अभी एक ही सेशन हुआ है, आई रिक्वेस्ट कि अगर ड्रीम बोर्ड के रिगार्डिंग किसी का कोई भी सवाल है तो हम यहीं पर स्टॉप करके लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बस एक लास्ट सेशन है जो कि मैं 20 मिनट में कंप्लीट कर लूंगी। यस, कोई भी अभी ड्रीम बोर्ड के रिगार्डिंग किसी का भी कोई भी सवाल है तो प्लीज हैंड रेज करिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया। गोल मतलब कि लक्ष्य है ना, इस बिजनेस को आपने ज्वाइन किया है, लक्ष्य है ड्रीम आपका कि मेरे को लाखों कमाना है, मुझे बाइक लेना है, मुझे बंगला लेना है, मुझे इस डेट को ये चाहिए, ओके वो चाहिए, लेकिन उस एंड गोल को पूरा करने के लिए मेन गोल को पूरा करना बहुत ही अति आवश्यक है। उन्हीं लोगों, उन सभी लोगों का एंड गोल पूरा नहीं हो पाता है जो मेन गोल पर ध्यान नहीं देते। मेन गोल पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको बाइक चाहिए, बाइक का डाउन पेमेंट करना होगा 24,000 रुपए और वो 24,000 आप सोचते हैं, चाहते हैं कि मेरा वेस्टेज से कमाई हो, तो आपको मेन गोल पर ध्यान देना है कि 24,000 कैसे होगा मेरा। अगर मैं सिल्वर डाइटर का लेवल पर पहुंच जाता हूँ, एक लेग से एलओबी होता है, तब शायद मैं 24,000 का या 24,000 में कमा लूंगा। साइड से मैं 1801 पीवी ना करके मैं 2000 या 2600 पीवी करता हूँ, तब मेरा करीबन 24,000 का इनकम है, ओके। तो वो आपका क्या होगा कि मेन गोल, ठीक है,
आपका हो गया मेन गोल। अब उस मेन गोल को पूरा करने के लिए आपको देख लर्निंग करना है, शो द प्लान करना, वो स्टार्ट करना पड़ेगा। कितने प्लान शो करने हैं? 5,625 PV, 1,00,000 LOV, 1,80,000। 1,80,000 को अगर मैं 3,000 से डिवाइड कर दूं तो कितने हो जाते हैं? 60 लोग। ऐसे 60 लोग होने चाहिए, आई होप मैं सही बोलूं, 60 लोग 1,00,000 में होने चाहिए जो कि 100 पीवी परचेस करेंगे, तो उस लेग से मेरा एलओवी आ जाएगा। बाकी के 2600 पीवी अगर मुझे करने हैं तो 2600 पीवी मेरे को डिसाइड करना कि और बाकी के लेग से कितने एलओवी, मतलब कि 100 पीवी या 60 पीवी लेने वाले होने चाहिए। दैट इज अ प्लान ऑफ एक्शन, दैट इज अ प्लान ऑफ एक्शन, है ना। एंड गोल पूरा होगा, ट्रॉफी पे फोकस। जो जितने भी अचीवर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ट्रॉफी पे तो ध्यान होता है उनका, लेकिन वो लोग ट्रॉफी पाने के लिए क्या क्या कदम उठाने हैं उस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर क्रिकेटर है, उसको ट्रॉफी चाहिए, एक क्रिकेटर है, तो वो क्या उसको पर ध्यान देने से हो जाएगा वो ट्रॉफी जीत लेगा? नहीं ना। उसके लिए वो मेन गोल करता है, सुबह उठना है, इतने बजे मुझे प्रैक्टिस करना है, इतने घंटे प्रैक्टिस करना है, इतने इतना घंटा मुझे दौड़ना है कि मैं अपनी स्टेमिना को इंक्रीज कर लूं, क्योंकि वो लोग तो एक एक रन के लिए दौड़ते हैं। इतने बड़े बड़े क्रिकेटर एक एक रन के लिए बैट लेकर दौड़ते हैं, है ना। तो वो लोग मेन गोल पर ध्यान देते हैं, बुक रीडिंग, अपने दिमाग को भी, फिर उसके बाद जिम जाते हैं, कई घंटे जिम में जाते हैं, अपने स्टेमिना को इंक्रीज करने के लिए कितना सारा वो लोग कैप्सूल्स वगैरह लेते हैं, वो सब प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। तो वो लोग मेन गोल पे ज्यादा फोकस करते हैं। एंड गोल तो आ ही जाएगा ना, अगर मेन गोल स्ट्रांग होगा तो एंड गोल दूर नहीं है, वो हो ही जाएगा, जीत ही जाएगा भारत और ट्रॉफी आ ही जाएगा। अगर मिस इंडिया का हम देख लेते हैं या कोई फेमस एक्ट्रेस का, उसको आईफा अवार्ड चाहिए, अवार्ड चाहिए, तो अवार्ड लेने के लिए वो पहले से बताती है, सोचती है कि हाँ मेरे को ये अवार्ड लेना है तो मुझे इतने सारे फिल्म में अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए उसको बेस्ट एक्टिंग करना पड़ेगा, बेस्ट एक्टिंग करने के लिए उसको जिम जाना है, अपनी बॉडी को शेप एंड टोन रखना है, इतने घंटे मेरे को जिम जाना है, इतने घंटे पार्लर में रहना है, इतना घंटा मुझे प्रैक्टिस करना है, इतना घंटा मेरे को स्टूडियो में बैठना है, मतलब कितना घंटा मुझे उस डायलॉग की प्रैक्टिस करते रहना है। उस फिल्म में टॉप से बेस्ट मेरे को रोल और कैरेक्टर मेरे को प्ले करना है। तो वो लोग मेन गोल पे ध्यान देते हैं। अगर आप ट्रॉफी पे ही ध्यान देंगे, अवार्ड पे ही ध्यान रखे रहेंगे, मेन गोल पे ध्यान नहीं देंगे, तो वो अवार्ड पे ध्यान देने से वो कभी नहीं आने वाला। अवार्ड पे ध्यान रखने से कतई नहीं आने वाला अगर मेन गोल पर ध्यान नहीं दिया तो। तो मेन गोल क्या है? मेन गोल है लर्निंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। लर्निंग कैसे होगा? क्लासेस को अटेंड करने से, अपने मेंटर से बातचीत करने से, उनकी काउंसलिंग करवाने से, उनका काउंसलिंग लेने से और बुक रीडिंग करने से। और प्लान ऑफ एक्शन, प्लान शो कीजिए, लिस्ट मेकिंग कीजिए, फॉलोअप कीजिए, ये तीन काम करने से आपका पूरा का पूरा होगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले किसी का सवाल आई थिंक नहीं है, अगर सवाल है तो पूछ लेंगे तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो हम सेकंड साइड पे चलते हैं प्रेजेंटेशन पे। ओके, आई होप किसी का भी या हाँ जी नीलम जी, आप को फर्स्ट हैं, बताइए। हाँ जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग, बताइए। निकलना नहीं होता है, कैसे करेंगे बाहर जाने के, घर से तो निकलना ही नहीं होता है। किसने रोका है आपको? अरे अब सास ससुर जाना नहीं होता है कहीं। सास ससुर रोकते हैं आपको? हाँ, नहीं जाते हैं ज्यादा। नहीं नहीं रोकते हैं आपको, गेट पे खड़े हो जाते हैं वो? नहीं ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? मतलब कि जैसे जाकर जाना भी होगा हमें तो बताएंगे कि हमें इस जगह जाना है, तो होगा कि क्यों जा रही हो। हाँ तो बता दीजिए। देखिए मैम, ये चीज मैं इसका निवारण मैं आपको बताऊंगी। जब आप ड्रीम बोर्ड बनाएंगी ना, अभी तक आपने ड्रीम बोर्ड एक को नहीं पता बनाया कि नहीं, जब ड्रीम बोर्ड बनाते हैं
तो हम क्या करते हैं, पूरे परिवार के संग बैठते हैं। मेरा जो ड्रीम बोर्ड है ये देखिए, ये ड्रीम बोर्ड है मेरा, ओके आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ये जो ड्रीम बोर्ड बनाया गया था, ये ड्रीम बोर्ड बनाया गया था 2014 या 15 में बनाया गया था, और ये ड्रीम बोर्ड मेरे पति ने बनाया, और वो उन्होंने अकेले नहीं बनाया। उस समय मेरा बेटा बहुत छोटा था, बेटे को काम दिया, बेटा जाकर वो कॉपी लेकर आओ, चार्ट पेपर लेकर आओ, मुझे दिया गया कि शोभा तुम इसको काट दो। फिर मेरी बेटी, छोटी बेटी थी, उसको बोला बेटा तुम पेस्ट कर दो। हम पूरा परिवार बैठकर इस ड्रीम बोर्ड के लिए काम कर रहे थे, और लगाते समय हम उसमें अपनी भावनाएं डाल देते थे। मेरा बेटा बोल रहा कि पापा ये दिल्ली 99 वाला घर वही है ना जिसमें हम लोग रहेंगे, तो वो सारी चीजें ना फिर से रिकैप हो रही थी। हाँ हम इधर रहेंगे बेटा, ये आपका घर होगा, ये बेटा हमारी कार होगी। फिर ये मेरी बेटी बोली कि पापा ये मैं ही हूँ ना, तो बोला हाँ पापा। मेरे हस्बैंड बोले कि हाँ ये तुम ही हो, हम लोग इस घर में रहेंगे। अब इससे क्या हो रहा था, पूरा परिवार जब जुटा हुआ था इस ड्रीम बोर्ड को बनाने के लिए, तो उसके सपने फीलिंग्स इस ड्रीम बोर्ड में जा रही है। जब आप अपने ड्रीम बोर्ड गोल को भी सेट करेंगे, तो गोल सेट करते समय अपने पूरे परिवार के संग बैठिए, उनसे पूछिए, माता जी से पूछिए, पिताजी से पूछिए कि आपका सपना क्या है। कितना अच्छा लगेगा ना कि हम लोग घूमने के लिए पूरे परिवार संग जाएंगे। उनको भी याद करवाइए कि उनका क्या सपना था। तो ये पूरा परिवार का जब सपना जुट कर जब एक ड्रीम बोर्ड में बनता है, और उस ड्रीम बोर्ड को आप लगा देती हैं आते जाते, तो आपका बच्चा, आपकी सास भी बोलती है कि बहू बहू कब जाएंगे यहाँ पर घूमने के लिए, बार 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 आपको याद दिलाएंगे वो। यस मैम, है ना, बार बार याद दिलाएंगे, और जिद्दी भी होना पड़ता है। यस मैम, है ना, कोई रोकता नहीं है। ये हमारे 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 बेड़िया हैं जो मैं कह रही हूँ ना। जब मेरे घर में भी मेरे सास ससुर हैं, ओके, जब मैं भी जॉब के लिए जाती थी, तो उस समय वो लोग भी काफी बातें बोलते थे लाइक कि छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के जा रही है पैसा कमाने के लिए, क्या पैसा कमा के कर लेगी, है ना, ऐसे से बातें किए जाते थे। क्योंकि मैंने 2 साल और 8 महीने की बेटी को छोड़ के जॉब किया है। लेकिन जब मेरा उन्होंने स्ट्रगल देखा, जब मेरे अचीवमेंट को देखना स्टार्ट कर दिया, हर अचीवमेंट में मैं उन सभी को लेकर जाने लगी, जब मेरे लिए तालियां बजते हुए देखा, तब उनका वो चीज चेंज हो चुका। आज करीबन एक कप चाय ये मेरी आ चुकी है, और ये मेरे लिए HMB आ चुका है, और ये मैंने नहीं बनाया, मेरी सास ने बनाया टेबल, है ना। तो ये कैसे होता है, जब आप उनको अचीव करके दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। ड्रीम बोर्ड बनाइए। हम लोग अभी भी बातें करते हैं सबको कि आप लोगों को क्या चाहिए, कहाँ पर जाना है, कैसा रहेगा घर में, कैसा रहेगा आपका रूम, ये सब बातें करते ना, तो उनको लगता है कि हाँ हमारे बच्चे अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं, और ये सपनों में सपने जो है हमारे लिए ही है, और हमको नहीं रोकना चाहिए उनको उनके सपने को पूरा करते हुए। जब उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आती है, तो वो नहीं रोकेंगे। और जितनी भी मीटिंग हो रही है मैम, उसमें पूरे परिवार को लेकर जाइए, बैठाइए। जब वो परिवार में, जब सारा आपका परिवार देख रहा होगा और लोगों की बातें सुन रहा होगा, और आप जब जाती हैं, आपके लिए तालियां भी बजते हुए वो लोग देख रहे होंगे, तब उनको समझ में आ जाता है कि मेरी बहुरिया सही काम कर रही है। यस मैम। मैम ये एक और क्वेश्चन, मैम यह फतेहपुर में तो हम रहते हैं, छोटा ही शहर है, तो ये पता नहीं चलता है ये है कहाँ, कैसे पता चलेगा मैम? और जब कहते हैं कि चलिए हमको बताइए कैसे क्या है, तो कुछ ऑप्शन ही नहीं होता है इसकी। क्या चीज का ऑप्शन जहाँ हम रहते हैं जिस जगह फतेहपुर में, तो ये छोटा सा शहर है और हम ज्यादा देखे भी नहीं है, तो फिर कैसे पता चलेगा कि क्या चीज कहाँ, मतलब कि होता है ये, मतलब इसका आपने अपनी अपनी कंपनी का DLCP देखा है? DLCP सर अभी नहीं, अभी तक नहीं देखा? नहीं। सबसे पहले अपनी कंपनी का DLCP जाइए, बैठिए वहां पर, ये आप ही का ऑफिस है, वहां पर जाइए बैठिए, और वहां पर वहां के जो ऑफिस के जो ऑफिस चलाते हैं उनका नंबर अपने मोबाइल पे सेव करके रखिए, और उनसे बोलिए कि जो भी मीटिंग होता है मुझे थोड़ा सा एक बार मैसेज दे दीजिएगा, जाने की आदत डालिए।
देखिए लाइन ऑफ स्पॉन्सर का नंबर तो आपके पास होना ही चाहिए, साथ ही साथ जितने जो भी आपका नियरेस्ट ऑफिस है उसके भी जो भी लोग हैं उनके नंबर भी होने चाहिए. लाइक ब्यूटी एडवाइजर है, उनका नंबर मेरे पास है और उनका एक ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में मैंने अपने आप को इंक्लूड करवा लिया जबरदस्ती कि मुझे भी इंक्लूड करो. तो जो भी मीटिंग होता है तो मेरे पास आता है और वो मीटिंग में अपनी टीम को देती हूँ. लाइक वहां पे जो श्रीनिवास सर है जो कि ब्रांच के हेड है, मैनेजर है, उनका नंबर मैंने ले रखा है और मेरा नंबर भी उनके पास है. तो जो भी मीटिंग होता है तो वो मेरे को भेजते हैं. जो भी ट्रेनर्स होते हैं वीआईपी और वीएलसी को अटेंड करने वाले, उनका नंबर भी मेरे पास है और मेरा नंबर भी उनके पास है. तो जो भी ट्रेनिंग होता है मैं वो लोग मेरे को भेजते हैं. तो स्मार्टली काम करना पड़ेगा मैम. यू आर नाउ अ बिजनेस वूमेन. अगर आपने कुछ नहीं देखा है तो क्या कुछ ना देखे हुए मरना चाहती हूँ, इस दुनिया से जाना चाहती नहीं ना. देख कर इस दुनिया से जाएंगी तो ज्यादा अच्छा होगा. तो बाहर जाइए, घूमिए, दुनिया देखिए, देख कर इस दुनिया को जाएंगी आप कुछ बनकर, है ना. फतेहपुर में जो भी डीएलसीपी है वहां पर जाइए, बैठिए और अपनी लाइन ऑफ स्पॉन्सर जिसने आपको प्रमोट किया है, स्पॉन्सर किया है, उनसे भी बातें करते रहिए कि उनको भी बोलिए कि कौन सी मीटिंग कहाँ पर हो रही है मुझे बताइए, मुझे पूरे परिवार के संग वहां पर जाना. वो आपको पूरा का पूरा गाइड करेंगे, आपके जो मेंटोर हैं जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया है. अगर उनसे भी कोई रिप्लाई ना आए तो उनके ऊपर आपको जो भी क्राउन डायरेक्टर है उनसे आप बात कीजिए. तो लाइन ऑफ स्पॉन्सर का नंबर रहना भी बहुत जरूरी है. लाइन ऑफ स्पॉन्सर का मतलब समझ रहे ना मैम आप? यस मैम. हाँ, जिन्होंने आपको ज्वाइन करवाया और उनके ऊपर क्राउन डायरेक्टर, फिर यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, फिर डीसीडी डबल क्राउन, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का नंबर, इतना नंबर आप लोगों के पास होना चाहिए सभी के पास. ओके, आई होप मेरा आंसर से आप सेटिस्फाइड हैं. यस मैम. थैंक यू सो मच मैम, बने रहें. थैंक यू मैम. थैंक यू. चलिए लास्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, ज्यादा टाइम नहीं दूंगी कि इधर ही खत्म करें. बहुत सारा चैप्टर भी है. Yes. अब आते हैं हम लोग लिस्ट मेकिंग की तरफ. अब अभी आपने गोल सेटिंग कर लिया है, गोल सेटिंग के बाद प्लान ऑफ एक्शन में, जैसा कि मैंने बोला कि वहां पर प्लान शो करना है, लोग लिस्ट बनाती रहनी, लिस्ट को बढ़ाती रहना है हमको और फॉलोअप करना. ओके, तो हम लिस्ट मेकिंग जो है, लिस्ट मेकिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग. अब ये प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, प्रोस्पेक्टिंग का शब्द का मतलब समझते हैं. प्रोस्पेक्टिंग का अर्थात होता है संभावना. प्रोस्पेक्टिंग का अर्थात होता है संभावना और प्रोस्पेक्ट का अर्थात होता है, यानी कि प्रोस्पेक्टिंग का यानी मतलब होता है कि अप्रोच करना, सामने वाले को देखना, टटोलना कि वो सामने वाला आपका ग्राहक बने या डिस्ट्रीब्यूटर बने. प्रोस्पेक्टिंग का यानी मतलब होता है कि वो अप्रोच करना सामने वाले को, इस तरीके से अप्रोच करना कि वो आपके अप्रोच से या तो वो कंज्यूमर बन जाए, आपका ग्राहक बन जाए, कुछ प्रोडक्ट ले ले तो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए, यानी कि आपके साथ जुड़ जाए, आपका एसोसिएट बन जाए. तो प्रोस्पेक्टिंग दो काम आते हैं, दो काम आते हैं जो कि स्टार्ट होता है लिस्ट मेकिंग करते हैं. लिस्ट मेकिंग कि लिस्ट मेकिंग में हम पहले तीन चीज को आज डिस्कस करेंगे कि लिस्ट मेक लिस्ट एंड. तो सबसे पहले के लिए कोई भी ऑफिस बनाने के लिए, कोई भी फ्लैट बनाने के लिए नक्शा तैयार करना जितना जरूरी होता है, एक प्रॉपर नक्शा, उतना ही जरूरी यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग में लिस्ट है. यानी कि लिस्ट जो है
एक ब्लड की तरह है, एक ऑक्सीजन की तरह है, अगर ये बंद, ये कम, तो आपका जाना अब तय हो गया, मतलब इस दुनिया से जाना तय हो गया। अगर ऑक्सीजन आपकी बॉडी में नहीं आ रहा है या कम होते जा रहा है ऑक्सीजन लेवल, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन लेवल कम होते जाएगा, तो आप एनर्जी कम फील करेंगे और आप कहीं ना कहीं लथार्जिक फील करेंगे या आपको बेहोश हो जाएंगे। अगर ऑक्सीजन ही नहीं है तो आप डेड हो जाएंगे। तो ये नक्शा होता है, जिस तरीके से एक घर का नक्शा होता है, नक्शा इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरीके से हमारे यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में लिस्ट मेकिंग बहुत ही जरूरी है। जिस तरीके से कोई भी चीज के लिए एक रॉ मटेरियल होता है, यानी कि अगर आप जिस बॉटल से पानी पी रहे हैं, याद करिए कि वो बॉटल प्लास्टिक से बना हुआ है, तो वो बॉटल तैयार हुआ है प्लास्टिक से, तो बॉटल क्या है, तैयार माल है, लेकिन प्लास्टिक क्या है, रॉ मटेरियल है। जैसा कि कपड़ा, जो हम कपड़ा पहन रहे हैं उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है, कपड़ा या थ्रेड। तो हर एक चीज के लिए, तैयार माल के लिए रॉ मटेरियल जैसे इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही यहाँ पर हमारा लिस्ट मटेरियल जो है रॉ मटेरियल है। अगर ये रॉ मटेरियल नहीं होगा तो आपका तैयार माल नहीं होगा, अगर आपका लिस्ट नहीं होगा तो आपका नेटवर्क भी नहीं बन पाएगा, यानी कि लोग भी नहीं जुड़ पाएंगे। लिस्ट बनाने से कम समय में आपकी टीम बड़ी से बड़ी हो जाती है। लिस्ट अगर आपने प्रॉपरली बना लिया तो कम समय में ही बड़ा सा बड़ा आलिशान बंगला बन जाता है, यानी कि अगर आपने मैप अच्छा बना दिया, नक्शा अच्छा बना दिया, तो कम जगह पर ही कम समय में ही बड़े से बड़ा नक्शा बन जाएगा। उसी प्रकार अगर लिस्ट प्रॉपरली आपने समय पर बना लिया उन्होंने ना बोल सकता, इम्प्रूवमेंट करूंगा कि आगे 50 लोगों को मैं जोड़ सकता हूँ। एक सही लिस्ट की वजह से आपका अच्छा नेटवर्क बनता है। अगर लिस्ट अच्छी तरीके से प्रॉपरली नहीं बन पाती है तो आपका स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, ट्री का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर लिस्ट बनाने पे बहुत ही ध्यान देना है। लिस्ट की वजह से काम करना आसान हो जाता है, क्योंकि आपको पता होता है कि मुझे अब क्या काम करना है, किसको कॉलिंग करना है, किसको किसका फॉलोअप करना है, ये सब कुछ आपको पता होता है। याद करिए, जब आप कहीं पर भी जाते हैं, मार्केट में भी जाते हैं सामान लेने के लिए, तो आप एक रॉ लिस्ट बनाते हैं कि हाँ मुझे ये सामान चाहिए, और टिक कर करके आप उस काउंटर पे जाते हैं, उस शेल्फ पे जाते हैं और सामान को उठाते रहते हैं। अगर बिना लिस्ट के जाएंगे तो जो सामान खरीदना था या जो सामान घर में खत्म हो चुका था वो आप नहीं खरीद के लेकर आएंगे, और आलतू फालतू या कुछ और सामान लेकर आ जाएंगे। अगर लिस्ट प्रॉपरली बनी होगी, जो सामान घर में खत्म हो चुका है या खत्म होने वाला है, तो आप उस लिस्ट के अकॉर्डिंग उस सामान को पहले ही भर देंगे, स्टॉक पहले से ही बना के रख देंगे। तो लिस्ट बहुत ही जरूरी होता है। लिस्ट के आप जल्दी नेगेटिव हो जाएंगे और इस बिजनेस को छोड़ देंगे, क्योंकि लिस्ट नहीं होगा तो हम क्या करते हैं, उन्हें बार बार कॉल करते जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, और वो रिश्तेदार जल्दी समझ नहीं पाते हैं, मना करते और उसको छोड़ना उस प्रकार से लोग बनाते हैं। तो यार ये भी, इनको तो मैं भूल गया, ये भी तो इंक्लूड हो जाएंगे ना, इनको भी मैं प्लान दिखाऊंगा या मतलब कि शो करूंगा, प्रोडक्ट दिलवाऊंगा, तो कहीं ना कहीं आप बैक टू बैक बहुत सारे लोग याद आने लगते हैं। आप पॉजिटिव और
दिस स्ट्रॉन्ग होने लगता है और यादिशत लोग लिस्ट बनाते ही नहीं, लिस्ट नहीं तो फेल नहीं तैयार माल, ऑक्सीजन नहीं तो इंसान भी नहीं, है ना। तो बहुत जरूरी है लिस्ट बनाना, लेकिन 90% लोग जानते हुए भी इम्पोर्टेंस अगर लिस्ट नहीं दी जाएगी तो उस बच्चे को पता कि क्या बुक ऑर्डर से का बुक चाहिए, लेकिन वो क्लास टू की जो बुक अमेज़न फ्लिपकार्ट में मिल रही है क्या पता वो स्कूल में ना चल ना। तो लिस्ट बहुत ही जरूरी होता है। तो बढ़ते हैं कि हम लिस्ट कैसे बनाए, लिस्ट पे की जरूरत मतलब कि उस पे नहीं बनाना है, ना ही कोई रफ कॉपी पे बनाना। आपको एक प्रॉपर डायरी बनाना, प्रॉपर डायरी होनी चाहिए, लिस्ट की अलग डायरी होनी चाहिए। अभी लिस्ट की अलग डायरी में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेंटोवर्कर गलती तो ये करते हैं कि लिस्ट बनाते ही नहीं है, और जब ज्यादा मेंटोवर बोलता है कि लिस्ट बनाओ तुम्हारा सक्सेस होने ना होने का कारण यही है कि तुम्हारी स्टार्टिंग अभी तक नहीं हुई है। अब वो उनका लिस्ट बनाना तो स्टार्ट कर देता है, लेकिन एक ही कॉपी में लिस्ट बनाता है, एक कॉपी में ट्रेनिंग भी लेता है, नोट्स भी बनाता है, और उसी कॉपी में प्लान भी शो करता है। लेकिन आप सोचिए, जब आपका बच्चा सारे टीचर सब्जेक्ट जो भी सारे सब्जेक्ट के टीचर होते हैं, क्या एक ही कॉपी में लिखवा रहे होते हैं, उसी में हिंदी, उसी में इंग्लिश, उसी में संस्कृत, उसी में हिस्ट्री, उसी में साइंस? नहीं ना, हर सब्जेक्ट की अलग अलग क्लास होती है। अगर मॉल में भी जाते हैं हम तो फीमेल का अलग कैटेगरी होगा, अलग शेल्फ होगा, अलग फ्लोर होगा, बच्चों की अलग फ्लोर होगी, और जो मेल है उनकी अलग फ्लोर होगी। हर जगह में मतलब कि अलग अलग कैटेगरीज डिफाइन की जाती है। तो यहाँ पर भी लिस्ट बनाने के लिए आपको एक डायरी रखनी पड़ेगी जिसमें आप लिस्ट ही तैयार करें, और लिस्ट आपकी बढ़ती रहनी चाहिए। जैसे कि खून बढ़ते रहना चाहिए आपकी बॉडी में, कम नहीं होना चाहिए या रुका हुआ वही नहीं होना चाहिए, खून को बढ़ते रहना चाहिए। अगर खून नहीं बढ़ रहा है तो फिर क्या होगा, आप मतलब कि ज्यादा एनर्जी नहीं रहेगा, आप उतने एनर्जेटिक नहीं रहेंगे, है ना। तो यहाँ पर भी लिस्ट आपकी बढ़ती रहनी चाहिए, और लिस्ट बनाते समय कभी भी किसी को भी प्री जज नहीं करना है। ये लिस्ट में आप उन सभी लोगों का नाम इंक्लूड करेंगे जो दो टांगों पर चल रहे हैं, मतलब वो सारे इंसान जिनका नंबर आपके मोबाइल में सेव है, उन सभी को आपको पहले बिना प्री जज किए हुए उतारना है, अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड में करना है, एक अच्छी सी प्रॉपर डायरी बनानी है, खरीदनी है, जिसमें कुछ भी फालतू ना लिखा हो, लाइक कुछ सी और कंपनी का नाम ना लिखा हो। हम वेस्टीज का प्लान शो करने जा रहे हैं, वेस्टीज के लिए काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस पे किसी और कंपनी का नाम लिखा हुआ है तो वो पहले ही बता देता है कि हम कुछ और काम कर रहे हैं, है ना। तो डायरी पर किसी और का नाम नहीं लिखा होना चाहिए, ब्लैंक डायरी हो तो बहुत अच्छी लगेगा, कवर मतलब अच्छा रहेगा, कवर पे कुछ भी ना प्रिंट हो, और उसमें अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड में करना है, क्योंकि फ्लाइट मोड में करने से ना तो आप किसी को कॉल कर सकते हैं, ना ही आपके पास किसी का कॉल आ सकता है। बिना प्री जज किए आपको एक एक लोगों का नंबर लिखते जाना है, कुछ किसी को भी आपको ये नहीं सोचना कि ये नहीं ज्वाइन करेगा, ये तो नक्चिड़ी है, ये तो मुंह बनाती रहती है, ये तो सुनता ही नहीं है, ये तो घमंडी है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, प्री जज नहीं करना है। याद करिए, अगर सचिन तेंदुलकर ये सोचता है कि भैया मैं तो टॉप क्लास का क्रिकेटर हूँ, मैं क्यों दौड़ू एक रन के लिए, मैं क्यों करूँ एक कैच को, मैं उस बॉल को क्यों कैच करूँ, मैं तो टॉप क्रिकेटर हूँ, तो आज वो टॉप पे ना होता। अगर ये धारणा उसने बनाई होती कि तो मैं नहीं करूंगा, एक एक रन के लिए नहीं दौड़ूंगा, तो आज टॉप पे ना होता। तो यहाँ पर आपको उन सभी एक एक इंसान का नाम लिखना है जिनका नंबर आपके मोबाइल में सेव है, और आपके मोबाइल में इंसानों का ही नंबर सेव है, जानवरों का नहीं है।
लिस्ट को तीन पार्ट में डिवाइड करना है, हॉट कॉन्टेक्ट, हॉट लिस्ट, देन वार्म लिस्ट, देन स्ट्रेंजर्स को. तो हॉट लिस्ट में वो लोग आते हैं जिनसे आपका रिश्ता घनिष्ठ है, जिनसे आप रेगुलर बेसिस में बातें करते हैं, जिनके बारे में आपको अच्छे से पता है और उनको भी आपके बारे में अच्छे से पता है. तो वो कौन कौन होते हैं? हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे रिलेटिव्स और हमारे क्लोज फ्रेंड, जिनसे आपका रिलेशन घनिष्ठ. अब वार्म कॉन्टेक्ट में कौन आते हैं? जिनको आप जानते हैं, शक्ल देखेंगे तो पता चल जाएगा, भले ही नाम से ना जानते हो लेकिन शक्ल देखेंगे लेंगे तो पता चल जाएगा. आपकी सोसाइटी में, सोसाइटी का नाम याद है, शक्ल याद है, आप जानते हैं कि आपकी सोसाइटी में, यानी कि आप जानते हैं. और वो कौन होते हैं? फ्रेंड के फ्रेंड होते हैं, या आपके सिबलिंग या आपके ब्रदर्स सिस्टर के फ्रेंड्स होते होंगे, क्लीग एंड नेबर्स होंगे. ये सब आते हैं वार्म कॉन्टेक्ट में. एंड कोल्ड कॉन्टेक्ट कौन से होते हैं? स्ट्रेंजर, जिनको आप जानते ही नहीं, ना ही वो आपको जानते हैं, अनजान. तो आगे बढ़ते हैं. लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले मोबाइल की कॉन्टेक्ट लिस्ट को देखना है और बिना प्रीजज किए आपको कर देना है. लिस्ट बनाते समय आप सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाट्सएप में, फेसबुक, इंस्टाग्राम में. लिस्ट जैसे कि मैंने बोला कि कॉन्टेक्ट लिस्ट में तो वो सारे लोग होंगे जिनका नंबर आपने सेव किया है या उन्होंने आपसे सेव करवाया अपना नंबर, है ना. तो उनको तो बिना प्रीजज के वो आपको उतार लेना है. अब कॉन्टेक्ट लिस्ट को बढ़ाते भी रहना है, क्योंकि बढ़ता हमारे बॉडी में जैसे खून खून को बढ़ाते रहना है, वैसे ही यहाँ पर भी बढ़ाते रहना. तो बढ़ाने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप का यूज कर सकते हैं, इन फेसबुक, फेसबुक में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, या आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा होगा तो बात करके उनसे भी नंबर ले सकते हैं और उनका नंबर भी आप सेव कर अपने प्रॉस्पेक्ट लिस्ट में बढ़ा सकते हैं. इंस्टाग्राम में बहुत सारे फॉलोअर्स आते हैं, उनसे भी बात करके या आप खुद फॉलो करके भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेंजर पे तो बहुत काम करना पड़ेगा. स्ट्रेंजर्स हमारे बहुत ही बड़ा सर्कल है और स्ट्रेंजर से आप आपको बात करते समय जो छवि आप दिखा रहे हैं वो छवि उनके दिमाग में सेट हो जाती है. जैसा कि कल प्रतिभा जी ने क्वेश्चन पूछा था कि मेरी रिश्तेदार है, मैं उनको कैसे समझूं, बहुत एक्टिव है, तो मैंने क्या बोला, थर्ड पार्टी अप्रोच. क्योंकि उनके प्रतिभा जी की छवि उनके दिमाग में बनी हुई है, जैसे ही वो बोलती होंगी तो वो छवि दोबारा आ जाती है, रिकैप हो जाती है. स्ट्रेंजर्स के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेंजर्स को आप जानते ही नहीं है. तो जितने कॉन्फिडेंट होकर आप बातें को बताएंगे, वो कॉन्फिडेंस जो छवि होगी ना उनके दिमाग में छप जाएगी और वो उतना सीरियस होकर आपकी बातों को समझेंगे. लिस्ट में सबसे पहले उन लोगों का नाम लिखिए जिन्हें आप जानते हैं, ओके. क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, हॉट देन कोल्ड कॉन्टेक्ट, यानी कि स्ट्रेंजर्स को लिखना है. और लिस्ट बनाते समय जल्दबाजी ना करें, दौड़ते दौड़ते ऑपरेशन नहीं करता है डॉक्टर, या दौड़ते दौड़ते आप खाना भी नहीं. तो यहाँ पर भी लिस्ट बनाते समय की जल्दबाजी नहीं करनी. मैप है घर का, बनाया समय लिया, क्योंकि उसको भी पता है कि अगर मैंने अच्छा नक्शा बना दिया तो महल तो बड़ी जल्दी खड़ा हो जाएगा. ज्यादा वर्कर को रख लेंगे, ज्यादा मैन पावर को रख लेंगे, ज्यादा काम कर लेंगे और जल्दी से बन जाएगा. लेकिन नक्शा ही खराब बना तो एंट्री में ही वॉशरूम बन जाएगा, एंट्री में ही मुंह के ऊपर सीढ़ियां बन जाएगी और आपके सारे गेस्ट को झुक कर आना पड़ेगा आपके एंट्रेंस से, या कहीं जिस दिशा में आपका एंट्रेंस नहीं होना चाहिए वो उस दिशा में आपका एंट्रेंस हो जाएगा. तो नक्शा बहुत ही जरूरी होता है. तो लिस्ट जल्दबाजी में नहीं बनाना है. अगर आपको एक हफ्ता भी लेना है तो लीजिए, लेकिन लिस्ट बना लीजिए. क्योंकि लिस्ट अगर बना ली तो आपका तैयार माल, आपके लोग मतलब अच्छे से होंगे. उन लोगों का नाम लिखिए जिन्हें आपसे भी बड़े ड्रीमर हैं, यानी कि बात करते करते अगर आपको दिखता है कि वो बहुत बड़ा ड्रीमर है, जैसे कि मैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में लोगों से बातें करती हूँ, बात करते करते समझ में आ जाता है कि उसके ड्रीम बड़े हैं, तो मैं उनका नंबर लेकर मैं उनको बोलती हूँ कि हाँ आपका ड्रीम अगर ये पूरा हो जाए
जैसा कि आप चाहते हैं, आपने बोला कि मुझे गाड़ियों का शौक है, तो अगर आप चाहते हैं इन ड्रीम को पूरा करना, तो मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं ऑनलाइन एसेट बिल्डिंग कॉन्सेप्ट। तो उसको बताने के लिए एक फर्स्ट फेज का जूम सेशन हो रहा है, तो मैं उसका लिंक भेज दूंगी आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे। तो क्या मुझे आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं? क्या आप उस ड्रीम को पूरा करने के लिए, उस ऑनलाइन एसेट बिल्डिंग कॉन्सेप्ट को जानने के लिए ओपन माइंडेड है? इस तरीके से नंबर ले लिया और उसको प्रोस्पेक्ट लिस्ट में इंक्लूड कर लिया। यूज फ्रेंड फॉर्मूला फॉर मेकिंग लिस्ट। फ्रेंड फॉर्मूला क्या है? एफ फॉर फ्रेंड, रिलेटिव, इंस्टीट्यूशनल, एम्प्लॉय, नेबर्स, ड्रीमर्स एंड स्ट्रेंजर्स। और मेन फॉर्मूला क्या है कि आपको पहले तो हॉट कॉन्टेक्ट, वार्म कॉन्टेक्ट एंड आपका ये हो गया क्या, स्ट्रेंजर्स। ओके, अब हॉट कॉन्टेक्ट में आपने फ्रेंड फॉर्मूला लिख दिया, FRIEND। अब उसमें देखना है कि प्लान शो करना है उन लोगों को जिनके पास मनी भी है, अथॉरिटी भी है, नीड भी। पहले उन लोगों को प्लान, वो अच्छे से समझ जाएं। अगर एक प्लान है, मनी है, लेकिन अथॉरिटी नहीं, नीड नहीं है, तो कितना भी, तो पहले तो हमको गाड़ी को फर्स्ट गियर पे चलाना होता है। यानी कि फर्स्ट गियर, जैसे आप गाड़ी भी चलाते हैं तो एकदम थर्ड गियर पे नहीं चलाते हैं, यानी कि बताते हैं पहले तो क्या करते हैं, हॉट कॉन्टेक्ट में जाते हैं, भी है अथॉरिटी भी है जो इनको नीड भी है, फिर उनको प्लान दिखाते हैं। फर्स्ट गियर में जब गाड़ी स्मूथ हो जाती है, देन वार्म गियर में आप जाते हैं। फॉर्मेट ऑफ मेकिंग लिस्ट, नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, मेल फीमेल, पॉजिटिव नेगेटिव, ऑक्यूपेशन बिजनेस जॉब, सैलरी अप्रॉक्स मंथली। लिस्ट में नाम लिखने से 100 रुपए एक नाम का मिलेगा। इस तरीके से कॉन्टेस्ट रहते कि मैं बीच में चाहती हूँ कि जो सबसे ज्यादा लंबा लिस्ट बनाएगा, यानी कि 500 लोगों की लिस्ट बनाएगा, उसको मेरी तरफ से एक गिफ्ट रहेगा। इस तरीके से भी आप अपनी टीम में कॉन्टेस्ट खिला सकते हैं, जिससे खेल खेल में ही लोगों की एक लंबी लिस्ट बन जाएगी। लिस्ट को ओकेजन इनविटेशन मानकर बनाइए। लिस्ट को बनाने के लिए आप कुछ गिफ्ट भी रख सकते हैं। एंड हाउ कैन वी वर्क ऑन द लिस्ट? पहला गियर है आपका हॉट लिस्ट, दूसरा गियर है आपका वार्म लिस्ट, तीसरा गियर है आपका कोल्ड लिस्ट। सबसे पहले आपको लिस्ट में उससे काम करना है, हॉट लिस्ट पे काम करना है, क्योंकि ये लोग आपको जानते हैं, सकते हैं लिस्ट पे कैसे काम करना है, कैसे इनवाइट करना है। वो कल के सेशन में मैं बताऊंगी कि लिस्ट पे कैसे इनवाइट करना है। प्रोस्पेक्टिंग का 2 पार्ट जो होता है, पहला पार्ट हमने कंप्लीट किया है लिस्ट का। आई होप आप लोगों को समझ में आया था, थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि सेशन को मेरे को 5 दिन में ही कंप्लीट करना है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम मैंने लगा लिया। और